अभी तक की सबसे बड़ी खबर। 5 बजे की एक और बड़ी खबर से शुरुआत करती है और खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर शुपियां से, जहां पर फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प शुरू हुई है। शुपियां के जान मोहल्ला यानी टाउन के अंदर ये एनकाउंटर इस वक्त शुरू हो गया है। 44 राष्ट्रीय राइफल, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस वक्त मुश्तकर का तौर पर इस ऑपरेशन को चला रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं शुपियां से, जहां पर ताजा तरीन खबर यह है कि 3 से 4 मिलिटेंटों की खबर मिलने के बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया। और जो ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, आनन फानन में इलाके के अंदर गोलियों की गनगर्ज से पूरा इलाका दहल उठा। इलाके में आनन फानन दुकानें बंद हुई, ट्रैफिक की नकलामल को रोका गया और ऑपरेशन को मजीद वसी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कि इस वक्त भी शुपियां के जान मोहल्ला के अंदर पुलिस, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ राष्ट्रीय राइफल्स का मुश्तरका ऑपरेशन चल रहा है। सीधे इरशाद इस वक्त हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा कि एनकाउंटर थोड़ी देर पहले की खबर है कि शुरू हुआ है और यह खबर आ रही थी कि 4 से 5 मिलिटेंट इस जगह पर छुपे बैठे हैं। पहले इस जगह के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिएगा कि किस तरीके का इलाका है, क्या यह बाजार के अंदर है या थोड़ा सा बाजार के बाहर रेजिडेंशियल एरिया है, कहां पर यह एनकाउंटर शुरू हो गया है? आपको बता दूं, अगर ये इस इनकाउंटर के हवाले से हम बात करें, ये इनकाउंटर जो है अभी चल रहा है, ये जान मोहला एरिया है, ये जो कि शोपियान का टाउन एरिया है, ये जान मोहला। 44RR को एक मुस्तक इतला मिली है कि इस एरिया में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। जो ही 44RR ने 12 बजे इस एरिया को जो है सील किया है, तभी जो कि तलाशी अभियान जो है वो लाया, तो फिर मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो फायर खोला है, जो कि फिर एनकाउंटर में जो चेंज हो गया है। अगर हम इस एरिया की हम बात करें, ये जो एरिया है बिल्कुल ये हार्ट माना जाता है शुपियान का, जो गोल चौक है ये हार्ट माना जाता है शुपियान का। इसी एरिया में जो ये बताया जा रहा है, इस एरिया में 5 मिलिटेंट जो है छुपे हो सकते हैं। फिलहाल जो अगर हम बात करें एनकाउंटर के हवाले से, फिलहाल दोनों तरफ से जो है फायरिंग अभी है। जी धवन, इरशाद, ये माना जाए कि शुपियान टाउन के अंदर जो हार्ट ऑफ द टाउन है, वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी है, तो क्या ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ा अलार्म तो नहीं है कि अब दूर गांव से, जंगल से वापस आकर मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस बिल्कुल टाउन के अंदर दिखा रहे हैं, तो सिक्योरिटी के एतबार से इसे कितना अलर्ट माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर इस एनकाउंटर के हवाले से बात करें, जो ये टाउन में मतलब आज एनकाउंटर हुआ है, तो इससे साफ जाहिर से पता चलता है कि मिलिटेंटों ने अपनी प्रेजेंसी का इजहार किया है कि हम जो है वो टाउन में आ चुके हैं। अगर स्कूटी की हवाले से बात करें, स्कूटी भी इस हाई अलर्ट पर है, कुछ दिनों से स्कूटी भी हाई अलर्ट पर है कि कुछ ना कुछ होने वाला है शोपियान टाउन में। अगर इस एरिया की हम बात करें, इस एरिया में 2019 में ऐसा ही एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक पाकिस्तानी जो मिलिटेंट वो इसमें गया है। अगर आज इस एनकाउंटर के हवाले में बात करें, वही जगह पर जहां पर जो भी 2019 में एनकाउंटर हुआ है, उसी जगह पे जो भी आज भी वही एनकाउंटर अभी जारी है। चलिए इरशाद, बहुत शुक्रिया। इस वक्त शुपियां से बड़ी खबर, जहां से 3 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला है और एनकाउंटर शुरू हो गया है। दोनों तरफों से गोलियों का तबादला किया गया है और अब इस पूरे इलाके का, जान मोहल्ला का पूरा इलाका जो है, जो इन एंड आउट से यानी जहां अंदर और बाहर के रास्ते जो हैं, उन्हें सील कर दिया गया है और पुलिस की मजीद कुंबक को इलाके की ओर रवाना कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त शुपियां से, जहां पर फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है।